गुड आफ्टरनून बच्चो गुड आफ्टरनून बच्चो गुड आफ्टरनून सब लोग मेरे को देख सक रहे हैं कैन यू ऑल सी मी सब लोग आ जाओ जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया है सबको बोल दो आने के लिए आपका कुछ एग्ज़ाम वगैरह है क्या आज देर आर ओनली सेवेंटीन ऑफ दम देर ऐसा मत करो है ना अपने को पढ़ना है अच्छे से बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हेलो एवरीवन एक बार सबको आपका जो भी दूसरा कोई ग्रुप रहेगा उस पर बोल दो आ जाओ करके वेरी गुड सब लोग आ रहे धीरे धीरे करके अपन स्टार्ट करते हैं इन डिफरेंस कर्व आज इन डिफरेंस कर्व अपन करेंगे आज का मैं आपका क्लास वन आर ही ले पाऊंगा बच्चों आज थोड़ा सा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है घर पे तो आज एक ही घंटा होगा कल मैं कवर अप करूंगा एंड अपन टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जैसा अपना फ्राइडे और सैटरडे का एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट है एक घंटे का ये हफ्ते हुआ नहीं तो अपन फ्राइडे सैटरडे को कर लेंगे ठीक है चलेगा सबको नो प्रॉब्लम राइट टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर भी डिस्कस करूंगा उसमें काफी आंसर्स गलत हैं, तो डीमोटिवेशन मत रखना बिना मतलब का और इससे एक और चीज़ अपने को समझ में आती है कि अपने को कितना नॉलेज है ठीक है जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके आंसर बताऊंगा तब बोलोगे ओ इसका मतलब ये था इसका लॉजिक ये था सर ने अपने को बोला था अच्छा हाँ यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स ओके सब लोग जल्दी आ जाओ देर ओनली थर्टी फाइव अस फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा अब हम लोग इन डिफ्रेंस कर्व एनालिसिस को समझेंगे ठीक है आप ना मेरा आपसे एक क्वेश्चन है पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये इनडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है कोई बता सकता है देखो डिफरेंट का मतलब होता है इसका मतलब होता है अलग करेक्ट इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम ठीक है, सो सो डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग समझने वाले हैं एक कंसेप्ट जिसका नाम है इनडिफरेंस कर्व सेम सिमिलर जो आपको बोलना है बोलो है ना अब, अब 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 देखो कैसा होता है ना इनडिफरेंस कर्व हमें बताता है कि हम जब दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को लेते हैं मान लो मैंने लिया है एप्पल एंड ऑरेंज अगर मैं तीन एप्पल खाता हूं और एक ऑरेंज खाता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है फिर मैं एप्पल तीन कर दू और ऑरेंज एक कर दू मेरा सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा इनडिफरेंस कव का मतलब यह होता है इनडिफरेंस कव हमें यह बताता है कि हम लोग जब दो चीजों को कंज्यूम करते हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन हमारा यूटिलिटी सेम रहता है हमारा यूटिलिटी चेंज नहीं होता कोई भी कॉम्बिनेशन करो हमको उतना ही सैटिस्फैक्शन मिलता है ठीक है सो इन डिफरेंस कर्व क्या बोलता है इनडिफरेंस कर्व हमें बताता है कि जब दो गुड्स को आप कंज्यूम करते हो तो आपको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है बट प्रॉब्लम यह है कि इनडिफरेंस कर्व को हमको ग्राफिकली समझना है कि ऐसा क्यों इंटरसेक्शन क्यों नहीं होता उसका कर्व स्लोपिंग क्यों होता है और वो बेंड क्यों होता है नीचे की तरफ ठीक है सो आपको बेस समझा इन डिफरेंस कर्व हमें क्या बताना चाहता है कि देख बॉस दो अलग अलग, अलग गुड्स है कोई भी कॉम्बिनेशन ले तीन एप्पल ले एक ऑरेंज ले उतना ही सेटिस्फैक्शन है चार एप्पल ले एक ऑरेंज ले उतना ही सेटिस्फेक्शन है बात समझ में आ रही है आपको है ना अब 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 हम लोग इस इन डिफरेंस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पहले तो मैं आ पे आपको एक बेसिक सा ग्राफ ग्राफ बना के दिखाता हूं। मान लो ये है ठीक है अब ना हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव 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 मान लो मान लो मान लो हम यह है एक्स और यह है वाई ठीक है चलो अपन एक्स वाई नहीं लिखते अपन ना एप्पल और ऑरेंज लिखते हैं यह एप्पल यह है ऑरेंज ठीक है अगर मैं अगर मैं दो एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं कितने ऑरेंज कंज्यूम कर रहा हूं एक ठीक है तो एप्पल मेरे दो है तो मेरा ऑरेंज कितना हुआ एक हुआ तो ये रहा मेरा एक कॉम्बिनेशन ठीक है ठीक है अब मैं या आप हम में से कोई भी हम में से कोई भी डॉट हटा देता ताकि कंफ्यूजन ना हो हम में से कोई भी किसी भी गुड को जब कंज्यूम करता है ही वुड प्रेफर गोइंग आगे, मतलब ज्यादा गुड्स की तरफ उसका झुकाव होगा इसका मतलब यह हुआ जो हम लोग ब्लैक कलर में अभी मार्क कर रहे ये वाला एरिया किसी भी पर्सन को ये वाले एरिया में रहना पसंद नहीं आएगा कोई भी पर्सन जो है उसको कौन सा एरिया पसंद आएगा उसको ये ग्रीन कलर वाला एरिया पसंद आएगा ऐसा क्यों सर मैं बताता हूं ये ग्रीन कलर वाले एरिया में रहना क्यों पसंद आएगा क्योंकि ग्रीन कलर वाले एरिया के अंदर हम लोग मान लो, लो पांच ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहे कंजम्पशन कर रहे हैं पांच ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहे हैं और चार एप्पल ले रहे वॉट इज मोर बेटर ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है या ये वाला कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है चार और पांच का हमको देखने को मिल रहा है ये वाले एरिया में बट ये वाले एरिया में तो दो और एक और उसके नीचे तो एक एक वुड यू प्रेफर ग्रीन एरिया और वुड यू प्रेफर ब्लैक एरिया वेरी गुड ग्रीन एरिया सो इससे हमें यह पता चलता है इससे हमें यह पता चलता है कि हम लोग जो है हम लोग ऊपर यानी आगे 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 कंजम्पन करना पसंद करते हैं प्रेफर करते हैं ठीक है ठीके? और पीछे का कोई भी कॉम्बिनेशन हमको पसंद नहीं आएगा अगर हम लोग ना ये पॉइंट पे आ गए ना जो अभी ऊपर वाला है ये वाला पॉइंट तो हमको यह पॉइंट ज्यादा पसंद आएगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट समझ में आ रही है बात पहले तो ये समझो कि कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो गुड्स को कंज्यूम आगे वाले एरिया में करना पसंद करेगा एज कंपेयर टू पीछे वाला एरिया क्योंकि हमको यूटिलिटी मिलता है ना मार्जिनल यूटिलिटी भी तो मिलता है ना समझ में आ रहा द मोर यू कंज्यूम द बेटर यू फील बट हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ऐसे गुड्स की जिनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हम लोग यहाँ पे ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे तीन या चार दो या एक कुछ भी खाओ आपको सेटिस्फैक्शन सेम लेवल का मिल रहा है यानी अगर मैं ऑरेंज एक कम कर दूँ और एक एप्पल ऐड कर दूँ तो भी मैं उतना ही खुश हूं एक ऑरेंज ऐड कर दूँ और एक एप्पल कम कर दू तो भी मैं उतना ही खुश हूं अब हम लोग एकदम डिटेल में एकदम प्यार मोहब्बत शिद्दत से एक एग्जाम्पल को देखने वाले हैं और वो एग्जाम्पल है पिज्जा एंड कॉफी का ठीक है एक आदमी एक आदमी मान लो है यहां पे अपन किसको लेंगे यश मान लो एक लड़का है यश यश को एक हफ्ते में पिज्जा और कॉफी कंज्यूम करना पसंद है सुबह जब बाहर निकलता है घर से काम पे जाने के लिए तो कॉफी और पिज्जा कंजम्पशन शुरू करता है तो पूरे हफ्ते में वो कितना कॉफी पीता है और कितना पिज्जा पिज्जा कंज्यूम करता है वो हम देखेंगे तो नंबर वन नंबर वन देखो देखो नंबर वन ध्यान से देखो कप्स ऑफ कॉफी पर वीक यहां पे दिया है और नीचे दिया है नंबर ऑफ पिज्जा अब देखो जो ये एरिया है जो ये वाला एरिया है ये हमको ज्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि यहां पे एक कॉफी और एक पिज्जा है फिर ऊपर गए हम लोग ऊपर के एरिया में दो पिज्जा और दो कॉफी है फिर और ऊपर गए हम लोग ऊपर तीन पिज्जा और तीन कॉफी है तो किसी भी कंज्यूमर को तो किसी भी कंज्यूमर को स्क्रीन हैंग हो गई है बच्चों एक मिनट स्क्रीन हैंग हो गया देखो आपको समझ में आएगा अभी ये फोटो जब मैं इसको हटा दूंगा ठीक है सब लोग ध्यान से देखो अब अब देखो अब समझ में आ रहा है जहाँ पे एक्स बनाया एक्स हम लोग ऊपर 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 जा रहे हैं आप सबको समझा आप सबको समझा हम लोग ना ऊपर ऊपर जा रहे हैं कम ज्यादा ज्यादा पहले तो ये समझेंगे हम लोग एकदम प्यार से फिर अब ध्यान से देखो तो कंज्यूमर को ये पॉइंट पे जहां पे एक्स बना है ये देखो ये जो पॉइंट है जहां पे एक्स बना है कंज्यूमर को दो कॉफी और दो पिज्जा मिल रहा है और कंज्यूमर प्रेफर क्या करेगा ऊपर के एरिया में प्रेफर करेगा कंज्यूमर के लिए प्रेफर्ड एरिया कौन सा है एरिया विच इज इन ग्रीन और जो ब्लैंक सर्कल है हमारा जो हमारा जो खाली सर्कल है वो कंज्यूमर प्रेफर करेगा क्या कंज्यूमर प्रेफर नहीं करेगा ये जो सर्कल है कंज्यूमर इसके नीचे एक्स के नीचे जाना पसंद नहीं करेगा क्लियर तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो देखो ना ये देखो ये जो लाइन है यहां पे कितना मिल रहा है तीन पिज्जा और दो कॉफी यहां पे कितना हो रहा है यहां पे हो रहा है चार पिज्जा और दो कॉफी यहां पे पांच छ सात करेक्ट और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं हर लाइन के ऊपर आपको एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा हर एक पॉइंट के ऊपर आपको एक अलग लेवल का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा यहां तक सबको समझा यहां तक सबको क्लियर है तो कंज्यूमर विल प्रेफर द ग्रीन एरिया नॉट द एरिया विच इज बिलो फ्रॉम वॉट इज एक्चुअली कंज्यूमिंग अगर यश दो कॉफी और दो पिज्जा कंज्यूम कर रहा है हफ्ते में तो यश वुड नॉट लाइक टू कंज्यूम वन पिज्जा एंड वन कॉफी यश हमेशा यही सोचेगा कि मैं ज्यादा कंज्यूम कैसे करूं क्लियर है एकदम किसी को कोई डाउट है लिशा यहां पे ना यहाँ पे कैसा है मान लो देखो हां अच्छा क्वेश्चन है मान लो मैंने ना चार जैसे जैसे मैं कंज्यूम करता हूं वैसे वैसे मेरा एमयू कम होता है अपन ने देखा है ना जैसे जैसे मैं पहला सिप पीऊंगा पानी का तो मेरे को बहुत भारी लगेगा दूसरा तीसरा चौथा मेरे को कम लगने लगेगा और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं एक को कम कर रहे हैं ताकि दूसरे को कंज्यूम करें बराबर यानी हम लोग क्या कर रहे हैं लिशा हम लोग अगर मान लो छे पिज्जा खा रहे हैं और दो कॉफी पी रहे हैं तो हम लोगों को पिज्जा जा बस बस हो गया है हम लोग क्या करेंगे पिज्जा का कंजम्पशन कम करेंगे और कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे समझ में ही बात हम लोग क्या करेंगे हम लोग पिज्जा का कंजम्पशन कम कर देंगे और कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे द मोर यू कंज्यूम दूसरे गुड का आपको वॉन्ट थोड़ा और फील होने लगता है कि यार यार कितना टाइम हो गया है चार चार पिज्जा हफ्ते में खा रहा हूं पर दो ही कॉफी पी रहा हूं नो 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 और और, और, और. यहां तक सबको समझा एग्जैक्टली exactly अथर तो फर्स्ट पिज्जा खाया तो अच्छा लग रहा है फिर पिज्जा बढ़ाया तो और अच्छा फिर कम फिर कम फिर कम हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होने लगता है तो हम क्या करते हैं हम लोग फिर अपने कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करते हैं फिर से वेरी गुड अब देखो ये हैंग हो रहा है बच्चों देखो ये एक फॉलोइंग कॉम्बिनेशन को देखो यश क्या कर रहा है तीन पिज्जा कंज्यूम कर रहा है दो कॉफी ले रहा है फिर यश ने पिज्जा बढ़ाया दो कॉफी फिर पिज्जा बढ़ाया दो कॉफी फिर पिज्जा बढ़ाया दो कॉफी फिर पिज्जा बढ़ाया दो कॉफी समझ तो में आया? तो इनमें से कोई भी एक हम लोग प्रेफर करेंगे या तो फिर ये यहां पर तीन कॉफी और दो ही पिज्जा ठीक है अब देखो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हैं इनमें से कोई भी प्रेफर करेगा यश क्योंकि वो ग्रीन कलर में आ रहा है इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन यश प्रेफर करेगा जैसा मैंने आपको पहले बताया अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं द रेड कलर एरिया इज लेस प्रेफर्ड वन रेड कलर नोक्ए माला द वॉट आई प्रेफर आई प्रेफर ग्रीन कलर लेटस दिस इज हाउ इट लुक्स एट द एंड मैंने स्टेप वाइज आपको बताया स्टेप वाइज रेड इज दिच यू डो नॉट प्रेफर यू आर करंटली एट दिस पॉइंट यू आर करंटली एट दिस पॉइंट यू डोंट प्रेफर दिस बट यू वुड प्रेफर एनी कॉम्बिनेशन इन ग्रीन एरिया पहले कॉम्बिनेशन ग्रीन एरिया रेड एरिया समझ लो एकदम स्मूद यहां तक एकदम क्लियर है एकदम मक्खन है सबको So, अब अब जब हमने यह समझ लिया है फटाफट फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम ड्रॉ दिस पहले तो क्या प्रेफर करता है आदमी और क्या नहीं बना के लो नंबर ऑफ पिज्जा पर वीक नंबर ऑफ कॉफी कप्स पर यह बना के लो और एक साइड में रेड बनाओ दो पिज्जा अभी के लिए हम क्या कंज्यूम करें अभी के लिए हम कंज्यूम करें दो पिज्जा दो कॉफी इसके ऊपर मैं हमेशा प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे मन में लालच है उसके नीचे नहीं करूंगा ये बना के लो बना लिया सबने बनाने के बाद मेरे को बोलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं हो गया सबका इतना हो गया मेरे को मैसेज नहीं आ रहा क्या का हो गया प्रतीक्षा का हो गया लीशा का हो गया बाकी सबका हुआ यश का हो गया आदित्य क्या हो गया एकदम स्मूथली समझो कंफ्यूजन मत करो पहले तो समझो कि हम क्या प्रेफर करेंगे और क्या नहीं करेंगे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना अब सब लोग देखना ये रहा हमारा इन डिफरेंस कर्व मतलब ये मतलब ये मतलब ये कि अगर मेरे पास तीन कप ऑफ कॉफी है मेरे पास कितना है तीन कप ऑफ कॉफ़ी है मैं क्या करूंगा मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी को कट कर दूंगा सो so दैट मैं एक पिज़्ज़ा को कंज्यूम कर सकूं और हमारा इनडिफरेंस कर्व दिखेगा कुछ इस तरह ध्यान से देखना सब लोग अरे अरे हैंग क्यों हो रहा है देखना जब जब हम लोग जब हम लोग सात कप ऑफ कॉफी कंज्यूम करते हैं जब हम लोग सेवन कप्स ऑफ कॉफी कंज्यूम करते हैं तब हम लोग कितना पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम लोग जब सेवन कप्स ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं तब हम लोग कितना पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग पिज़्ज़ा कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं एक पिज़्ज़ा को कंज्यूम यहाँ से क्या ये बंद कर रहे हैं क्या चलेगा करेक्ट अब हम लोग जब चार कप ऑफ कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं तब भी हम कितना कंज्यूम कर रहे पिज्जा एक अब हम लोगों को जब एक और पिज्जा ऐड करना था हम लोगों को जब एक और पिज्जा ऐड करना था यहां पे अब मैं कॉफी से बोर हो गया मैंने पहले सात कप कॉफी के पिए मेरे को ठीक लगा फिर मैंने कॉफी थोड़ी कम कर दी बट पिज्जा उतना ही रखा ठीक है एक अब मुझे लगा कि कॉफी और कम कर दू और पिज्जा ऐड करूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई भी कॉम्बिनेशन दो इट टू मी बट बार बार कॉफी कंज्यूम करके मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगा तो मैंने क्या सोचा अब मैं ना पिज्जा का कंजम्पशन शुरू करता हूं तो मैंने मैंने एक पिज्जा के लिए मैंने एक पिज्जा के लिए कितना कॉफी फॉरगो किया देखो देखो चार कॉफी ऊपर पी रहा हूं इधर मैंने एक पिज्जा ऐड किया मैंने कितना कॉफी को फॉरगो किया करेक्ट अब 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 आगे देखना अब मैंने और पिज्जा के लिए और तीन पिज्जा के लिए कितना कॉफी फॉरगो किया यहां पे ऊपर दो पिज्जा थे तो ये दो तो एज इट इज है और तीन पिज्जा ऐड करने के लिए मैंने कितनी कॉफी को फॉरगो किया यहां पे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और जब हम लोग हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर से एक को छोड़ते हैं दूसरे को ऐड करते हैं जब हम कॉम्बिनेशन से एक को छोड़ते हैं दूसरे को ऐड करते हैं हम लोगों ने क्या किया हमको फर्क नहीं पड़ रहा छोड़ा और ऐड क्या किया हमको फर्क नहीं पड़ा बट हम लोग छोड़ के दूसरा ऐड करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग जब छोड़ते हैं और ऐड करते हैं हमको फर्क पड़ता है तब फर्क नहीं पड़ता हम लोग जब छोड़ते हैं और ऐड करते हैं किसी एक चीज को तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबको समझा सबको समझा अब 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 हम लोग सब लिखेंगे पहले यहां तक सबको समझा अब अब देखना ये जो पूरी लाइन है ना ब्लैक कलर की लाइन ये लाइन कोई भी लाइन है ना जो पूरी लाइन है, ये लाइन जो जा रही है मेरे हाथ के सामने से ये जो पूरी लाइन जो जा रही है सारी की सारी लाइन इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन दो मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा यही पर्पज है इन डिफरेंस का यह लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन दो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा बट 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 जैसे 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 हम लोग कंज्यूम और ये करते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक चीज को फॉरवो करते क्यों करते क्योंकि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बार 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 कंज्यूम करने से क्वांटिटी बढ़ने से कम होने लगता है ठीक है यस इट इज ऑन यू इट डिपेंड्स ऑन यू क्योंकि अंकिता आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है ठीक है अब देखो अब देखो uh, किस कंटेक्स में मुझे समझाने लीशा अब देखो चार कॉफी एक पिज्जा इक्वल्स टू दो कॉफी दो पिज्जा इक्वल्स टू एक कॉफी पांच पिज्जा इक्वल्स टू Your utility. Use any goddamn combination, the utility is going to be the same. यहां तक क्लियर है क्या लीशा हम लोग इंडिफरेंस कव एनालिसिस यूजुअली कंजम्पशन पे करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर करना कैसा डिफिकल्ट हो जाएगा ना आपको आपको कैसे समझ में आएगा किससे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यह संकेता सो so, ये जो पूरा अपन ने जो यहां पे बखेड़ किया है ना यही तो बता रहा हूं मैं ये जो काली लाइन है ये जो लाइन है इसके ऊपर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर आप अगर आप यहां पे आते हो यह वाली लाइन पे तो आपका सेटिस्फैक्शन और बढ़ेगा और उस लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन लो आप खुश रहोगे आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी और आगे चले गए तो यूटिलिटी और ज्यादा मिलेगी सेंटर से सेंटर से जितना आगे 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 जाते हो उतना ज्यादा 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 यूटिलिटी मिलता है और हर व्यक्ति हर व्यक्ति यह लाल कलर के एरिया में फंक्शन करना क्यों पसंद करेगा कम यूटिलिटी करना किसी को पसंद है क्या कोई कम में कभी खुश हुआ है कि नहीं होता है यह लाइन के ऊपर सेम सेटिस्फैक्शन है आगे जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन और बढ़ेगा अब सबको इनडिफरेंस कर्व क्या होता है समझा इंडिफरेंस कर्व पे इस लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन लो यहां पे आप लोग दस कॉफी लो सॉरी दस पिज्जा लो और जीरो या एक कॉफी लो तो भी आप खुश हो यहां पे कितने भी पिज्जा बढ़ाओ एक ही कॉफी रखो आप खुश हो इसके ऊपर आप कितने भी पिज्जा कम करो कॉफी बढ़ाओ आप उतने ही खुश हो ऊपर के पॉइंट पे यानी 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 आप ये पॉइंट पे जितने खुश हो जितने सेटिस्फाइड हो उतने ही आप सैटिस्फाइड रहोगे ये वाले पॉइंट पे नो no डिफरेंस इसी के लिए तो है इनडिफरेंस का बट आपकी इच्छा रहेगी कि आप ये ग्रीन कलर में थोड़ा खेलो और और रेड कलर से और दूर 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 जाओ मैं बता रहा हूँ ना बच्चों कंसेप्ट समझ गया ना तो अपन दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं कंसेप्ट समझाना कंसेप्ट पक्का सबका क्लियर हुआ हाँ सब बताता हूं सब बता दो वरी डोंट वरी अपन सब करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और थ्योरी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरसेक्ट होता है क्या इंटरसेक्ट नहीं होता है क्या ये सब पूछेंगे डोंट वरी यस ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा सब स्टूडेंट्स को समझा है अब मैं आगे बढ़ता हूं फिर हम लोग इसको बनाएंगे ठीक है ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना अब हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं मिडल में नहीं बोल सकते देखो नहीं 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 जिस लाइन पे हो उसके आगे ग्रीन रहेगा यह लाइन पे हम अभी इसके ऊपर ग्रीन है इसके नीचे रेड है अब इधर आ गए इसके नीचे रेड है इसके ऊपर ग्रीन है इधर आ गए इसके ऊपर ग्रीन है इसके नीचे रेड है ध्यान से देखो सब लोग ध्यान से देखो सब लोग ध्यान से देखो देखो देखो, देखो।, देखो। ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है सबको ब्लैक कलर की लाइन पे यहां पे है दो पिज्जा और दो कॉफी खुश है हम फिर यहां पे नीचे जब हम लोग आए तो हमको देखने को मिला कि बॉस यहां पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है फिर हम लोग ऊपर की लाइन पे गए ब्लू कलर की लाइन पे ब्लू कलर की लाइन पे चार कॉफी और चार पिज्जा है ये देखो ये देखो समझा और हम लोग वो लाइन पे आगे गए ब्लू कलर की लाइन पे तो यहां पे अपने को क्या देखने मिला कि हमारे जो पिज्जा है यहां पे आठ पिज्जा है और हमारी दो कॉफीज़ है फिर हम लोग आगे की लाइन पे गए हम लोग आगे की लाइन पे गए अब यहां पे हम लोग को देखने मिल रहा है कि पांच पिज्जा है ये देखो और हमारी छह कॉफी है इस लाइन पे आप नीचे गए इस लाइन पे आप नीचे गए तो आपको तीन पिज्जा मिल रहे हैं और सॉरी तीन कॉफी मिल रही है और आपको आठ पिज्जा मिल रहा है समझ में आई बात सबको सबको समझ में आई बात सबको समझ में आई बात देखो ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है कॉम्प्लिकेट मत करो इससे सिंपल और क्या हो सकता है पक्का सबको सिंपल लग रहा है ना ये कंसेप्ट तो अगर उतना बजट नहीं रहा लिशा तो यार हैप्पी ना यार तुम हैप्पी हो ये कॉम्बिनेशन के अंदर ये तो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना हम लोग सपना देख रहे ऊपर जाने का हम लोग हम लोग जब ये पढ़ रहे थे इसी के लिए तो मैंने आपको ब्रेक करके पढ़ा है ना बच्चों ऐसा क्यों करते हो ये देखो हम लोग जब ये वाली लाइन पे थे तो हम लोग ऊपर जाने का सपना देख रहे थे पर ये लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन दिया तो हम सुखी थे हमको कोई त्रास नहीं था हमको कोई तकलीफ नहीं थी सपना देखा तो हमने सपना कैसे देखेंगे और क्या कॉम्बिनेशन आएगा वो भी पढ़ लिया ए टू जेड जितने भी बच्चे देख रहे हैं अब सबको समझा यह लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन लो सेम यूटिलिटी मिलता है एक कॉफी पांच पिज्जा दो कॉफी दो पिज्जा चार कॉफी एक पिज्जा घंटा फर्क नहीं पड़ता बराबर जब हम लोग दो कॉफी को छोड़ते हैं और एक पिज्जा को ऐड करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिर हमने देखा कि हम लोग को ग्रीन एरिया क्यों पसंद आता है क्योंकि ग्रीन एरिया के अंदर हमको ज्यादा यूटिलिटी मिलता है इस पे थे इधर ज्यादा खुशी ये देखो खुशी का हमारा जो बार है वो बढ़ गया ऊपर गए तो और ज्यादा खुशी मिला हमारा खुशी का और कोई ठिकाना नहीं रहा क्लियर है एंड द स्लोप इट विल ऑलवेज हैव अ स्लोप एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन ये जो है ये हमेशा स्लोप रहेगा एंड इट विल नेवर एवर एव 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 बी अ स्ट्रेट लाइन नाउ माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज वाय And this is your answer because slope changes as you move towards different combination of goods. मतलब 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 मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ हम लोग यहां पे प्लॉटिंग कैसे करेंगे हम लोग यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन हो सकता है समझ में आ रही बात अच्छा स्ट्रेट लाइन हो सकता है यहां पे कॉम्बिनेशन कैसे करोगे आप

और मैंने अब एक कॉम्बिनेशन छोड़ दिया और मैंने यहां पे रहना पसंद किया तो ये लाइन स्लोप हो रही है कि नहीं फिर मैंने मान लो फोर और यहां है थ्री मैंने ये कॉम्बिनेशन प्रेफर किया स्लोप हो रहा है कि नहीं समझ में आया क्या मेरे को कॉम्बिनेशन बनाने का है ना सो बिकॉज स्लोप चेंजेस एज यू मूव टुवर्ड्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप कोई भी कॉम्बिनेशन करो यस इट मेक्स नो सेंस उसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना अगर लाइन सीधा है तो जैसे जैसे हम लोग स्लोप के ऊपर जाते हैं जैसे जैसे हम लोग स्लोप के ऊपर नीचे जाते हैं हम लोग अलग 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 कॉम्बिनेशन देखते हैं ना हमारा पूरे स्लोप के ऊपर ये देखो ये पूरे के पूरे स्लोप के ऊपर ये पूरे के पूरे स्लोप के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये वाला पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है एग्जैक्टली इज इन डिफरेंस कर्व का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर टू एवरी वन दिस स्लोप इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ठीक है अब सबसे पहले ये बना के लो अब सबसे पहले ये फटाफट फटाफट बना के लो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम ड्रॉ दिस वेरी गुड अब ये जो डायग्राम बनाया है इसी के नीचे अरे यार ये किधर गया इसी के नीचे बनाओ ये इससे अपने को क्या मालूम पड़ेगा इससे अपने को मालूम पड़ेगा दैट वी टेक एनी कॉम्बिनेशन द यूटिलिटी इज गोइंग टू बी द सेम और मुझे नोट्स के फोटो भेजने हैं कहाँ पे भेजने इको का जो ग्रुप है ना उसमें डालो ताकि मेरा ध्यान रहेगा इको का जो ग्रुप है ना डाउट्स का उसमें डालो मेरे को सबके चाहिए सबके और अगर मुझे वो ग्रुप में के सबके नहीं दिखे तो मैं ग्रुप से सबको निकाल दूँगा क्योंकि अपन अभी छोटे नहीं और है और एग्जाम अपना नजदीक है यू टेक एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स द यूटिलिटी इज गोइंग टू बी द सेम सारा सारा आज जितना भी लिखा है ना सब चाहिए मेरे को एक ग्राफ नहीं सब चाहिए मेरे को आज जितना भी अपन ने किया है और जितना अपन लिखेंगे आगे का सब ए टू जेड सब चाहिए हो गया सबका नो प्रॉब्लम सोमनाथ आज जितना लिखा है उतना ही चाहिए नाउ, नाव चिंगुटपंती नहीं करेगा कोई भी नए पेज के ऊपर फ्रेश पेज के ऊपर आप लोग बनाओगे ये अच्छे से तबियत से बनाना बिल्कुल भी चिंगुटपंती मत करना ये सोमनाथ में मैम को बोलता हूं आपको ऐड करने के लिए मैम आपको ऐड कर देंगे इसी कलर स्कीम में बनाएंगे आप लोग ब्लैक ब्लू ग्रीन ग्रीन नहीं है तो दूसरा कलर का पेन लो और अभी पेन नहीं है दूसरे कलर का तो पेंसिल से बना और उसको कलर करना ब्लैक ब्लू ग्रीन ब्लैक ब्लू ग्रीन no problem are. इतना हो गया सबका मैं गुटखा नहीं खा रहा हूँ लवंग खा रहा हूं कोई सोचेगा को गुटका खा रहा है इट इज क्लब दांत दुखता है ना नहीं तो बोलो के बोल सर जुबान केसरी करके आते हैं ठीक है, वेरी गुड यश आगे बढ़ने का अरे भरोसा नहीं बाबा सर कुछ तो भी चरम चुरम चरम चुरम खा रहे थे सर गोवा गुटका ना सर विमल न इधर खड़े खड़े क्लास में तो पिचकारिया ही मारता ना मैं टैलेंट है talent. देखा है वो रिक्शा वाले लोग यार कुछ कुछ लोग ना कार का दरवाजा से, चालू कार से खोलते हैं और मैंने पान खाया था जैसे वो मीठा पान होता है ना तो लोग थूकते जैसे मेरे को भी इच्छा हो गया थूक के देखते बावधन में जाता जा है जा जा, तो एक्टिव आ पता बहुत पहले की बात है तुम्हारे जितना था ट्वेल्थ में था ट्वेल्थ खत्म हुआ था ट्वेल्थ के एग्जाम्स खत्म हो गए थे ऐसे इधर उधर भटक रहा था तो वो मीठा पान खाया मैं बोला लोग थूकते एकदम प्रोफेशनली अपन भी थूकते <laughs> तो <laughs> गाड़ी <laughs> गाड़ी चला, <laughs> चला रहा था मैं एक्टिवा रात का टाइम था तो सीसीडी के उधर बाउदन के उधर ना सीसीडी है तो उधर से वो मीठा पान खाया आगे गया पेट्रोल पंप के उधर ना ऐसा थूकने गया <laughs> तो सब मेरे ऊपर ही उड़ा थूकते <laughs> नहीं आया सब भर गए <laughs> मेरे पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी उसके भी ऊपर उड़ा मेरे को मारा उसने ये पागल है क्या तो ये क्या कर रहा है <laughs> <laughs> खुद को भी भरा बहन को भी भरा पीछे <laughs> एक दो बार पानी भर के मुंह में पानी भर के साथ ट्राई किया था मैंने वो पानी इधर उधर करके उड़ते <laughs> और ना पीछे से एक आदमी आ रहा था ना उसे हाथ दिखा के गया मेरे को पता नहीं गाली दिया था क्या किया <laughs> क्योंकि मेरी बहन बहुत चिल्ला रही थी ना तो कुछ सुना ही नहीं दिया मेरे को बट ट्रस्ट मी तो बस में ट्रैवल कर कंडक्टर इंडक्टर साफ करते ऐसा सीधा लाइन उड़ता है तो बुलेट के माफी को पता नहीं कहाँ से लाते वैसा वो एक जगह पे ही गिरता है <laughs> आगे बढ़ते चलो सो <laughs> so, ये टॉप मार्जिन पे लिखो आपके नोटबुक के टॉप मार्जिन पे लिखो स्लोप एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन वाई

अपन लोग जब लॉकडाउन खुलेगा ना सब लोग मिल के ना लाइन से खड़े रहेंगे सब प्रैक्टिस करेंगे सुबह सुबह जल्दी आने का सबने और मेरे साथ सबने प्रैक्टिस करने सब करेंगे और पूरा परफेक्ट सर्कल बनना चाहिए अपने आज जाए वो चुप 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 करके <laughs> इंस्टाग्राम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर डालेंगे बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी <laughs> एक्स्ट्रा पान क्लासेस लेक्चर खत्म होने के बाद चलेगा ये तो पहले आने का सब अपने अपने घर से पान वान कथा उत्था लेके आएंगे सुबह सुबह सब लोग खड़े रहेंगे पिचकारे मारेंगे <laughs> मेरे में अनिरुद्ध सर में वैभव सर में और नीरज सर में कंपटीशन लगना चाहिए किसकी मिसाइल सबसे बराबर जाती है <laughs> तुम सब लोग जज हम लोग को खड़ा करने का बकेटे रखने के आगे <laughs> हम सब लोग पिचकार रहे हमारे बकेटों में बुमा रैंग बनाएंगे पढ़ाई पर ध्यान दो लिखो ये <laughs> यस उल्टा छोर कोतवाल को, को डांटे <laughs> लिख दिया इतना सबने आपको टॉप मार्जिन पर लिखना है स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती बिकॉज स्लोप चेंजेस एज यू मूव टुवर्ड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वाह पीपीएल लगते ना पान प्रीमियर लीग <laughs> जैसे वो डीआईडी में ग्रैंड मास्टर रहते ना तो ग्रैंड मास्टर जैसे उसमें वो रहता है मिथुन चक्रवर्ती वैसे ग्रैंड मास्टर के रूप में रहेंगे नवनीत सर और हम सब कंटेस्टेंट्स मैं वैभव बह <laughs> भारी मजा आएगा ना ट्रिप पे जाना चाहिए अपन ने ट्रिप पे से सब कांड करेंगे अपन लोग फिर जिसका सबसे भारी सा पिचकारी निकलेगा फिर ऐसा वो करता है ना सा सल्यूट करता है तकदीर की टोपी वोपी देता है <laughs> भारी मजा आएगा ना <laughs> 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 और जो विनर रहेगा उसको लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ विमल है ना <laughs> <laughs> कंपटीशन टफ है <laughs> <laughs> मैं सबसे छोटा एज में वो सब बड़े बड़े हैं मुझसे एज में सब लोग चलो अभी आगे बढ़ते बस हो गया नाटक अभी अपन हंसी मजाक करते रह जाएंगे चलो दिस स्लोप इज कॉल्ड एज एम आर एस हनेर राइटर फिल्म एक्टर डायरेक्टर बनना चाहिए था मैंने गलत फील्ड में आ आगे बराबर है क्या बात है वाह वाह वा। उस स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अभी वो करेंगे पहले इतना लिख के लो सब समझाता हूं सब समझाता हूं अब लिखो सब लोग इन डिफरेंस कॉ शेड्यूल और स्केड्यूल वे वड़े व कॉम्बिनेशन ए में एक फूड तो बारह क्लोदिंग कॉम्बिनेशन बी में दो फूड छे क्लोदिंग कितना छोड़ा टू गेट वन मोर फूड कितना कपड़ा छोड़ा कितना कपड़ा छोड़ा टू गेट वन मोर फूड छे छोड़ा ना बारह का छे किया मार्जिनल रेट ऑफ मैंने बोला ना मैंने बोला ना मैंने बोला ना, ना? ना? क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं तो बता मुझे क्या करूं क्या करूं अभी पता क्या करू क्या करू समझा बोल सकते हैं बट कंफ्यूज मत करो लीशा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अब मैंने तीन यूनिट ऑफ कपड़ा लिया यानी कपड़ा एक और ऐड किया मैंने दो का तीन किया तो मैंने कितना कपड़ा सॉरी खाना ऐड किया मैंने एक यूनिट तो कितना कपड़ा छोड़ा छ में से चार पे आ गया मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन टू अब मैंने एक और खाने की चीज ऐड की कपड़ा कितना किया मैंने एक और कम कर दिया मार्जिन रेट ऑफ सब्सिट्यूशन इज वन वन बिगनी शूट बिगनी शूट कैजुअल फ्रेंड्स थे फिर अच्छे फ्रेंड्स हो गए फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए फिर लव स्टार्ट हो गया कैजुअल फ्रेंड्स थे फिर अच्छे फ्रेंड्स हो गए फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए फिर लव स्टार्ट हो गया बिगनिश बोल सकते हैं बोल सकते हैं स्वराली बट बोलो मत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुबह सुबह मिली मुझे देखी तक नहीं मुस्कुराई तक नहीं इतना सबने लिखा अब देखो अब ध्यान से देखना सब लोग सब तक ध्यान से देखो देखो सब लोग हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग मैप कर रहे हैं फूड और क्लोदिंग को देखो जब 12 क्लोदिंग था तब एक फूड था फिर जब दो फूड हुआ तो छह क्लोदिंग हुआ समझ में आ रहा है आपको देखो सब लोग ध्यान से देखना सब लोग ध्यान से देखना बिना मतलब का कंफ्यूजन घाई गड़बड़ देखो हारह कपड़ों जब बारह कपड़े जब मैं ले रहा था तो मैं एक खाने की चीज कंज्यूम कर रहा था ठीक है फिर मुझे खाने की चीज बढ़ानी पड़ी तो मैंने क्या किया खाने की चीज बढ़ाई एक यूनिट से और कपड़े कितने यूनिट से कम किए यूनिट से तो तो यहां से यहां पे जब मैं आया तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कितना था इट वॉज सिक्स बात समझ में आ रही है फिर यहां से यहां पे जब मैं आता हूं तो कितना फॉरगो करता हूं अब 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 मुझे तीन तीन जो है फूड के यूनिट्स मैंने लिए करेक्ट और चार मैंने कपड़े का लिया तो मैंने कितना यूनिट मोर फोर गो किया यहां पे एमआरएस हो गया टू सबको समझा ना अरे यहां पे दो कैसे हुआ ऊपर छे था छे से मैं चार पे आ गया चार पे आया इसी के लिए तो दो हुआ ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ठीक है इसके आगे का हम लोग करेंगे कल अब उसके बाद आईडी मैप बनाना है आईडी मैप में हम लोग समझेंगे ये वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता ठीक <laughs> है <laughs> फिर हम लोग जब एम फिर से पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ठीक <laughs> है इट फॉर टूडे भाई तिक कॉन्ट्रोवर्शियल का इधर खड़े रहता हूं मैं हम्म शर्मा रही हो थीके? आपका स्ट्रगल और हमारा स्ट्रगल बात करते हैं क्लास के बाद कॉफी पे चले चलो नो चलो नो ठीक है एवरीवन दैट्स इट फॉर टुडे मिलते हैं कल चलो अब तो मेरा दिल सो क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय करू जाओ अभी आप लोग मैच्योर नहीं हो बाय बेबी बेबी किधर गई वो अंधेरा हूँ छोड़ के चलेगी तुम लोगों के चक्कर में oh, she's gone. कल मिलता है ना उससे है ना, तब तक के लिए अलविदा, बाय